नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ महिंद्रा XUV 300 का W8 वेरिएंट। बिल्कुल टॉप वेरिएंट है भाई ये वाली जो गाड़ी खड़ी है मेरे सामने, ये पेट्रोल में है, डीजल में नहीं है। आज हम बात करेंगे इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में, क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं एक्सटीरियर में और भाई इसके इंटीरियर में क्या कुछ फीचर दिए जाते हैं जो आज के टाइम पे गाड़ी है सब फॉर्मेटर SUV है उनको ये कम्पीट करती है या नहीं करती। वैसे सब बोलते हैं कि ये ओवर प्राइज्ड है जो इसके सेगमेंट की है, जैसे नेक्सोन है, वेन्यू है, सोनी है, जो भी है इसके सेगमेंट में, उनमें सबसे ज्यादा प्राइस इसी का है। तो भाई वो बात जायज है, इसका प्राइस सबसे ज्यादा है, लेकिन जो इसमें आपको पावर मिलेगी, जो कंफर्ट मिलता है, वो उनमें नहीं है। और भाई इसकी जैसे हम चौड़ाई की बात करें या फिर इसमें अंदर स्पेस वगैरह, स्पेस तो वैसे पीछे वाली सीट पे आपको कम मिलेगा, इस पे बूट स्पेस हल्का सा कम है क्योंकि सब फोर मीटर, इस वजह से वो दिक्कत आई थी। लेकिन अब महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाला है, सेम इसी लुक में है वो XUV 400। उसमें क्या किया है महिंद्रा ने, जो सी पिलर है उसको थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो XUV 400 अब पहुंच गई है क्रेटा वाले सेगमेंट में, अब वो इसमें वेन्यू वाले सेगमेंट में नहीं रही, तो ये दिक्कत खत्म होगी आने वाले टाइम पे। क्या पता XUV 300 है जो उसको भी ऐसे लंबा करके क्रेटा की टक्कर में निकाल दे। अब बात करूँ इसके फ्रंट की, फ्रंट में इसमें जो ग्रिल दी गई है वो क्रोम के साथ मिलेगी, यहाँ ऊपर इसमें क्रोम की पट्टी मिल जाएगी, बीच में यहाँ भी आपको ये क्रोम मिलेगा, यहाँ पे आपको पुराने वाला महिंद्रा का लोगो मिलता है, इस पे अभी लोगो चेंज नहीं हुआ। नीचे बात करूँ तो नीचे भी आपको क्रोम के साथ इसकी ग्रिल मिलेगी, और भाई यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की इसकी स्किड प्लेट मिल जाएगी। यहाँ पे जो पार्ट दिया गया है वो ग्लोसी ब्लैक मिलेगा, हैलोजन इसमें आपको फॉग लैंप मिलेगा, यहाँ पे आपको DRL मिलेगी और ये DRL यहाँ से कंटिन्यू होके ऐसे जाएगी, और भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर, ये प्रोजेक्टर मिलेगा, येलो कलर की लाइट मिलती है इसमें आपको, हैलोजन मिलती है, और यहाँ पे भी आपको एक लाइट मिल जाएगी। ये था भाई इसका फ्रंट। फ्रंट में इसमें आपको दो पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं, इसमें आपको कैमरा वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ सेंसर ही मिलते हैं इसमें। साइड से भी देखते हैं तो काफ़ी ऊंची है गाड़ी, और भाई फ्रंट से जैसे देखते हैं और पीछे से देखते हैं तो काफ़ी चौड़ी भी है। दिक्कत आती है सिर्फ इसका जो लेंथ है, लेंथ कम कर दी थी महिंद्रा ने सब फोर मीटर बनाने के लिए, वहाँ पे प्रॉब्लम आई, और बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओवरबीम की बात करूँ तो ये बॉडी कलर मिलेगा, यहाँ पे आपको इस पे टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएगा। नीचे अगर इसके टायर की बात करूँ तो इसमें आपको टायर मिलेगा 205/65R16 का, 16 इंच का इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाएंगे। इसमें आगे और पीछे डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस टाइम पे XUV 300 में ही चारों डिस्क ब्रेक मिलना स्टार्ट हुए थे, उससे पहले चारों डिस्क ब्रेक नहीं मिलते थे इस सेगमेंट में। ब्लैक कलर की इसमें आपको साइड में क्लैडिंग मिलेगी, और वो ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा चौड़ी नहीं मिलती, देखने में अच्छी लगती है, कहीं भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगी वो। इसके डोर हैंडल की बात करूँ तो बॉडी कलर मिलेगा, यहाँ पे आपको एक सेंसर मिल जाएगा, यहाँ पे की होल भी मिलेगा। ग्लोसी ब्लैक में इसका ए पिलर मिलेगा, बी पिलर ब्लैक टेप के साथ मिलेगा, और जो सी पिलर है वो भी ग्लोसी ब्लैक ही मिलेगा। ग्लोसी ब्लैक कलर में ही आपको इसके ऊपर रूफ रेल मिल जाएंगी। ये हो गया भाई इसका साइड प्रोफाइल। अब बात करता हूँ इसके रियर की। ये है भाई इसका रियर, ये देखो पीछे से भी कितनी चौड़ी लगती है। अगर इसके सामने सोनिट है या फिर सेल्टोस है, नेक्सोन, उनको खड़ी करें तो वो इतनी चौड़ी नहीं है। वैसे है ये सब फोर मीटर, जब इसको देखते हैं तो आपको प्रॉपर एक SUV का लुक इसमें आएगा। अब इसके रियर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पुराने वाला महिंद्रा का लोगो मिलेगा, यहाँ पे आपको वाइपर मिलेगा, डिफोगर मिलेगा, वो सर ऊपर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाई स्टॉप लैंप, ये स्पॉइलर दिया गया है इसमें, एंटीना इसमें आपको ये सिंपल वाला मिल जाएगा। अब यहाँ पे मिल जाएगा रियर व्यू कैमरा, XUV 300 की यहाँ पे आपको बैज मिल जाएगा, यहाँ पे W8 जो इसका वेरिएंट है वो लिखा गया है, जो इसका बम्पर है यहाँ पे ब्लैक कलर मिलेगा, यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे, पीछे भी आगे भी दो ही मिलते हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, नीचे सिल्वर कलर की इसमें स्किड प्लेट मिल जाएगी। अब बात करूँ इसकी टेल लाइट की, तो LED सेटअप मिलेगा इसमें, पूरे LED सेटअप नहीं मिलेगा आपको टेल लाइट का, रिवर्स गियर के लिए और इंडिकेटर के लिए आपको इसमें हैलोजन बल्ब मिलेंगे, बाकी जो ब्रेक लाइट है वो आपको LED मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंटीरियर की, अंदर इसमें क्या मिलेगा ये देखो भाई, यहाँ पे लिखा गया है पेट्रोल, तो ये है पेट्रोल वेरिएंट। अब चलते हैं अंदर। सबसे पहले XUV 300 में आया था ये वाइट इंटीरियर, जितने फीचर इसमें दिए जाते थे किसी और गाड़ी में नहीं मिलते थे, लेकिन दिक्कत आगे वहीं अटकती थी कि भाई सब फोर मीटर गाड़ी है, इसके ऊपर इतने पैसे क्यों लगाएं। वही है कि 15 लाख रुपए एक सब फोर मीटर गाड़ी पे कोई नहीं लगाना चाहता था उस टाइम पे, तो क्रेटा भी बेस मॉडल था जो 10 लाख से नीचे आता था, तो ये इसके साथ दिक्कत हो गई थी। अब इसके डोर की बात करूँ तो डोर इसमें वही ड्यूअल टोन मिलेगा, ऊपर आपको डार्क मिलेगा, नीचे लाइट कलर मिल जाएगा इसमें, यहाँ पे पूरा ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और भाई जो इसका डोर हैंडल वो क्रोम के साथ मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लेदर मिलेगा, यहाँ पे पूरा आपको ये व्हाइट मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा पूरा, हार्ड प्लास्टिक है, ये स्पीकर ग्रिल है, यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाएगा, और भाई नीचे यहाँ
यहाँ पे आपको बोतल वगैरह रखने के लिए स्पेस मिलेगा। यहाँ पे हाफ लीटर की बोतल आ जाएगी, यहाँ पे एक लीटर की बोतल आ जाएगी, और भाई यहाँ पे आप अपना फाइल या पेपर वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ये स्पेस दिया गया है डोर को पकड़ के बंद करने के लिए, की वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे सारे इसके सिल्वर कलर में कंट्रोल्स मिलेंगे। ये हैं ORVM के लिए कंट्रोल। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल मिलेंगे, और जो ड्राइवर साइड का विंडो है वो ऑटो अप ऑटो डाउन मिलेगा, बाकी और सारे आपको नॉर्मल मिलते हैं। ये हो गया भाई डोर पैनल। डोर पैनल पे यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलती है, सिर्फ रिफ्लेक्टर मिलता है। अब चलते हैं अंदर। अब बात करूँ ड्राइवर साइड की सीट की, तो ये 6 वे एडजस्टेबल मिलेगी। इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, और भाई पूरा इसमें जो इंटीरियर है, सीटें वगैरह, वो आपको वाइट कलर में ही मिलेगी। अब देखते हैं इसके कम्फर्ट के बारे में करते हैं बात। भाई सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है, अंडर थाई स्पोर्ट है वो भी परफेक्ट है। जो साइड की बात करूं तो साइड में भी अच्छी खासी कुशनिंग दी गई है, आपको अच्छे से होल्ड करके रखती है सीटें इसकी। ये देखो भाई यहाँ पे भी जो सीटों की बनावट है, ये वाला पार्ट अंदर है और ये वाला बाहर है। ये अंदर खींच के रखता है आपको साइड से, जब बैठते हैं आप ड्राइव करते हैं तो लेफ्ट राइट में आप नहीं झूलते सीटों पे। अब बात करूँ इसके डैशबोर्ड के, तो ऊपर मिलेगा इसमें पूरा रफ प्लास्टिक, ड्यूअल टोन मिलता है, ऊपर ब्लैक है नीचे वाइट है, और पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, कहीं भी सॉफ्ट टच इसमें नहीं मिलता। यहाँ पे बीच में आपको सिल्वर कलर का ये एलिमेंट मिल जाएगा, जो इसका म्यूजिक सिस्टम और एसी के वेंट है उसकी साइड में। और भाई यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक पार्ट भी मिलेगा, ये साइड साइड में यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक पार्ट मिल जाएगा। और भाई इसमें जो म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह ये सिस्टम सारे मिल जाएंगे। और भाई बाकी इसमें वही बेसिक फीचर मिलते हैं, जैसे फ़ोन है, नेविगेशन है, कार इन्फो सेटिंग, ई मैनुअल वगैरह, इको सेंस आ गया, रेडियो आ गया, मीडिया, ये सारे इसमें बेसिक फीचर सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन भी दिए गए हैं इसमें, होम, रेडियो, फ़ोन, और ये है वॉल्यूम के लिए, और इसकी पावर ऑन ऑफ करने के लिए। ये नेविगेशन आ गया, डिस्प्ले आ गया, और ये प्रोग्राम्स आ गए। प्रोग्राम में देखें तो प्रोग्राम में वही है साउंड, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी सिस्टम, इको सेंस, ये इसमें बेसिक से फीचर सारे मिल जाते हैं। इसमें यहाँ पे भी कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं, ये है डिफोगर के लिए, और भाई यहाँ पे ये प्रेस नहीं होता, ये बटन नहीं है, सिर्फ ये लाइट जलेगी इसमें। को पैसेंजर साइड का जो एयरबैग होगा उसका यहाँ पे आपको लाइट शो करेगा। और भाई ये आ गया इसका हैजार्ड लाइट का स्विच। और भाई यहाँ पे आपको 3 बटन और मिलेंगे, ये मिलेगा स्टेयरिंग के लिए, 3 मिल जाते हैं स्टेयरिंग के इसमें मोड। ये आप जब गाड़ी को ड्राइव करोगे उस टाइम पे आपको फील होगा, जैसे स्पोर्ट मोड है, स्पोर्ट मोड पे बिल्कुल टाइट हो जाएगा स्टेयरिंग, नॉर्मल पे ये लाइट हो जाएगा, नॉर्मल जो रिस्पांस करता है एक आम गाड़ी की तरह। कंफर्ट पे ये और ज़्यादा लाइट हो जाएगा, और गाड़ी आप बिल्कुल कंफर्टेबली एक हाथ से ड्राइव कर सकते हैं, ये इसमें इस टाइप से मोड्स दिए गए हैं। यहाँ पे 2 और बटन मिलेंगे, ये मिल जाएंगे जो इसका MID उसके लिए, एक मिलेगा ट्रिप का और एक मिलेगा सेट करने के लिए। ट्रिप में यहाँ पे जैसे इसको प्रेस करूँगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी वगैरह, ये इसके डिस्टेंस 20, TPMS, ये सारी चीज़ें इसमें आपको शो करेगा। ये वाला बटन इसके लिए दिया गया है। नीचे इसमें आपको ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ पे बड़ा सा डायल दिया गया है, सिल्वर कलर का है। यहाँ पे आपको बीच में इसमें बटन मिलेगा ऑटो के लिए और AC के लिए। और भाई यहाँ पे कुछ और इसमें फंक्शन दिए गए हैं, मोड है, टेम्परेचर है, ये ड्यूल है, और ये है एयर सर्कुलेशन के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा डिफोगर के लिए, ये मिल जाएगा मेमोरी, ये मिल जाएगा ऑन ऑफ, और ये है टेम्परेचर के लिए। इसमें ड्यूल है तो दोनों तरफ इसमें आपको टेम्परेचर मिलेगा। ये ड्राइवर साइड के लिए है, ये है को पैसेंजर साइड के लिए। को हर जगह रेड कलर की लाइट का यूज मिलेगा। यहाँ पे जो बटन साइन में भी आपको रेड कलर की लाइट दिखेगी, जैसे ये डिस्प्ले इसमें भी रेड है, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसमें भी आपको रेड कलर ही दिखेगा। अब भाई यहाँ नीचे बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये चार्जिंग के लिए पोर्ट, ये मिल जाएगा USB के लिए, और ये मिल जाएगा ऑक्स का पोर्ट। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एक यहाँ पे मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग इसमें नहीं मिलता। और भाई ये है इसका 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। यहाँ पे आपको जो गियर लीवर मिलेगा वो ग्लॉसी ब्लैक मिल जाएगा। और भाई इसकी साइड में भी यहाँ पे सिल्वर कलर के एलिमेंट का यूज़ किया गया है। बाकी अगर यहाँ बात करूँ तो इसमें आपको ये 2 कप होल्डर मिलेंगे। इसमें सेम वही की मिलती है जो महिंद्रा की सभी गाड़ियों में है, फोल्डेबल की मिलती है इसमें। 3 इसके ऊपर आपको बटन मिलेंगे, ये है लॉक के लिए, बूट के लिए, और ये है अनलॉक के लिए। मैनुअल इसमें आपको हैंड ब्रेक मिलेगा, और आर्मरेस्ट इसका सॉफ्ट टच के साथ मिलेगा, ये स्लाइड नहीं होगा। और इसमें अंदर भी स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह, वॉलेट वगैरह आराम से रख सकते हैं। इस साइड बात करूँ तो सेम थीम पे मिलेगा, ये वाला डोर भी, ये सीट भी वैसी ही मिलेगी जैसे ड्राइवर की है। 4 वे एडजस्टेबल मिलेगी, इसमें आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते। अब बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस और मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ भी अपना फ़ोन, वॉलेट, कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, यूजेबल यहाँ पे स्पेस दिया गया, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। अब बात करूँ उसके ग्लव बॉक्स की, तो भाई
बहुत ही ज़्यादा गहरा ग्लव बॉक्स दिया गया है, देखो कितना डीप है। इसमें आप दो दो लीटर की आराम से तीन बोतलें रख सकते हैं, इतना गहरा है ये। और यहाँ पे अलग से स्पेस दिया गया है, कुछ और सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं, कार्ड वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। इसमें आपको लाइट भी मिलेगी, ये अंदर यहाँ पर लाइट दी गई है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फोल्डेबल इसका ग्रैब हैंडल, और भाई इस साइड आपको वैनिटी मिरर भी मिलेगा लाइट के साथ, येलो कलर की इसमें आपको यहाँ पर लाइट मिल जाएगी। और भाई ये आपको इसमें सनरूफ के लिए कंट्रोल दिए गए हैं, ये यहाँ पे येलो कलर की इसमें कैबिन लाइट मिलेगी, सनग्लास होल्डर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑटो डिमिंग इसमें आपको IRVM मिलेगा। और भाई इस साइड आपको कोई टिकट होल्डर वगैरह इसमें कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे एक माइक मिल जाएगा। ये हो गया भाई इसका फ्रंट में और क्या बचा, हाँ भाई स्टेयरिंग बच गया। तो स्टेयरिंग इसमें आपको लेदर रैप मिलेगा, यहाँ पे सिल्वर एलिमेंट का यूज़ किया गया है स्टेयरिंग के साइड में। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, या वॉइस असिस्ट के लिए बटन मिलेगा, महिंद्रा का पुराना लोगो, एक एयरबैग यहाँ मिलेगा, हॉर्न मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलेंगे जो इसका म्यूजिक सिस्टम है उससे रिलेटेड। इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिलेंगे, और इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प भी मिल जाते हैं। जिसके MID की बात करूँ तो MID में आपको जो मैंने फीचर दिखाए थे वही बेसिक फीचर हैं। यहाँ पे आपको टाइम दिखाएगा, यहाँ पे आपको आउटसाइड का टेम्परेचर दिखा देगा, नीचे यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखाएगा इसका जो कूलेंट का है, और यहाँ पे आपको फ्यूल दिखाएगा बीच में, और ये 51 किलोमीटर जैसे लिखा है यहाँ पे, ये इसका ओडोमीटर आ जाएगा। कुछ वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, कुछ यहाँ मिलती हैं, कुछ यहाँ मिलती हैं। एनालॉग इसमें आपको जो इसके मीटर्स हैं वो मिल जाएंगे, RPM मीटर है, और ये आपको स्पीडोमीटर मिलेगा 220 की इसकी आपको टॉप स्पीड मिलेगी। देखने में भाई ज़बरदस्त लग रहा है जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। स्टेयरिंग इसमें टिल्ट मिलेगा, और यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन मिल जाएगा। इस साइड भी कुछ कंट्रोल मिलते हैं, वो है जैसे यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए ये मिल जाएगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए मिलेगा, ये मिल जाएगा आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए, और ये मिलेगा इसका जो हेडलाइट लेवलर है वो। ये हो गया भाई फ्रंट इसका। अब बात करते हैं इसके रियर की, रियर में क्या कुछ मिलता है। बोलते हैं कि इसमें स्पेस कम है रियर में, पीछे कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग कर दी एडजस्ट, 6 फीट हाइट है मेरी, तो अब देखते हैं पीछे इसमें कितना स्पेस मिलता है, आगे और पीछे 6 फीट का बंदा बैठ सकता है या नहीं वो आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई 6 फीट का बंदा आगे और पीछे बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इसमें जो रियर सीट है उस पर आपको स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी, बिल्कुल लंबी टांगे करके बैठ सकते हैं। और भाई जो इसका नी स्पेस है वो भी इसमें यहाँ पे देखो ज़बरदस्त दिया गया है। दिक्कत एक चीज़ की है इसमें, यहाँ पे आपको अंडर थाई स्पोर्ट इसमें कम मिलेगा पीछे वाली सीट पे, बाकी और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे इतना भी कम नहीं है कि आप इस पे बैठ ना सको, इतना इसमें स्पेस आपको मिल जाएगा कि आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। सीट की कुशनिंग वगैरह वो भी इसमें आपको परफेक्ट दी गई है, पीछे वाली सीट है वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल है। पीछे इसमें आपको 3 हेडरेस्ट मिलेंगे और वो भी एडजस्टेबल मिलेंगे, बीच में आर्मरेस्ट मिलेगा, और इसमें आपको कप होल्डर भी मिलेगा, 3 सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया गया है। आइसोफिक्स सीट के लिए भी पीछे आपको हुक मिल जाएंगे इसमें, और जो इसका बीच वाला टनल है वो भी इतना ज्यादा ऊंचा नहीं है कि 3 बंदे ना बैठ पाए। बाकी और भाई पीछे आपको कोई चार्जिंग सॉकेट वगैरह इसमें नहीं मिलता। यहाँ पे जो सीटें हैं उनमें आपको इलास्टिक मिल जाएगा, यहाँ पे पेपर वगैरह कुछ भी आप होल्ड कर सकते हैं। आगे वाला जो हेडरेस्ट है वो भी फोल्डेबल मिलेंगे, पीछे के लिए कैबिन लाइट मिलेगी, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा हुक के साथ। इसमें आपको टोटल 6 एयरबैग मिलते हैं, सेफ्टी के सारे जो बेसिक फंक्शन है, बेसिक फीचर है सेफ्टी वाले, वो सारे मिल जाते हैं। और भाई गाड़ी भी 5-स्टार रेटिंग लेके आई है, नेक्सॉन के बाद दूसरी गाड़ी थी ये इंडिया में जो 5-स्टार रेटिंग लेके आई थी। नेक्सॉन से भी ज़्यादा सेफ गाड़ी है XUV 300। अब बात करता हूँ इसके बूट की, बूट यहाँ से ओपन होगा, इसमें ये मैग्नेटिक बटन दिया गया है यहाँ पे, और भाई ये देखो इसका बूट स्पेस, यहाँ भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, 2 ट्रॉली बैग आराम से रख सकते हैं, छोटा मोटा बैग साइड में रख सकते हैं, इतना स्पेस दिया गया है इसमें। ये वाली जो सीटें हैं 60-40 स्प्लिट सीट दी गई हैं इसमें, और ये फोल्ड हो जाएंगी आगे की तरफ, तो आप यहाँ पे इसका स्पेस बढ़ा भी सकते हैं। नीचे भाई यहाँ पे स्पेयर व्हील मिलता है, और ये निकालने में और डालने में काफ़ी पंगा है इसमें, क्योंकि ये नीचे दिया गया है, और जहाँ पे जो इसका लोडिंग लिप है उसकी वजह से इसको निकालने में और डालने में ट्रे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। स्पेयर व्हील मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल बाहर निकालना पड़ेगा इसको, तब दिखेगा क्या साइज़ का इसमें आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। भाई 16 इंच का ही मिलेगा, और ये दिया गया है 205/65R16 का। इसको यहाँ रख सकते हैं हम आराम से, नीचे रखने में तो भाई इसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको। ये हो गया बूट, अब इसका आपको इंजन दिखा दूँ। यहाँ से जो इसका इंजन वे है वो ओपन होगा। ये वाला जो वेरिएंट है भाई वो पेट्रोल वेरिएंट है, इसमें आपको 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा टर्बो चार्ज, नॉर्मल वाला इंजन नहीं है ये। इसमें अगर पावर की बात करूँ तो लगभग 109-110 BHP की इसमें आपको पावर मिलेगी, और लगभग 200 नैनोमीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा। और भाई ये बहुत भारी है, इसको
दो मिनट उठाना भी मुश्किल हो जाएगा आपको। और वैसे भी इसमें कोई वो जैक वगैरह होते हैं ना, इसमें साइड में जो हाइड्रोलिक जैक्स लगे होते हैं, वो भी इसमें नहीं है। इतना भारी है, आपके डोले बना देगा ये। जब इसको उठाओगे आप फील करोगे कि भाई किसी हैवी गाड़ी में है, तभी ये 5 स्टार लेके आई है भाई। इतना भारी इसमें लोहा लगा है, कहीं से भी आप फील करोगे। इसके जो डोर्स वगैरह हैं उसमें भी ये देखो थड़की आवाज़ इसकी, पूरा आपको फील होगा। इसको चलाओगे तब भी आपको फील होगा कि किसी सेफ गाड़ी में, किसी हैवी गाड़ी में आप बैठे हों। एक प्रॉपर एसयूवी का इसमें आपको फील आता है जब इसको चलाते हैं, इसमें बैठते हैं, इसको देखते हैं। वैसे है भाई ये सब 4 मीटर गाड़ी, लेकिन है एक प्रॉपर एसयूवी वाला रुतबा इसमें। ये था XUV300 का W8 वेरियंट, और वो भी पेट्रोल में। आपको गाड़ी कैसी लगी, आपको गाड़ी के फीचर्स वगैरह कैसे लगे भाई, कमेंट करके ज़रूर बताओ। कमेंट करके ये बताओ भाई आपको इसमें क्या अपडेट चाहिए, क्या फ़ीचर और चाहिए कि ये गाड़ी एक बेस्ट इन सेगमेंट गाड़ी बन जाए। क्योंकि अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनके सामने ये कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। कुछ इसमें फ़ीचर्स वगैरह कम हो गए, इसकी जो लुक है, इसका जो डिज़ाइन है, उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। भाई आप बताओ कमेंट करके कि आपको इसमें क्या कुछ चाहिए, क्या इसमें फ़ीचर चाहिए, क्या इसमें आपको अपडेट चाहिए महिंद्रा को, क्या इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही भाई, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।